हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज कैप्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन फिगर। 10 kg इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे प्लेस्ड है। अ फोर्स 3 न्यूटन इज अप्लाइड, ये 3 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहा है ऑन द ब्लॉक। द कॉपीसेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड ब्लॉक इज 0.6। म्यू दे रखा है, कॉपीसेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वो कितना है, 0.6। ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए एफ की, है ना, सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। इंपॉर्टेंट टर्म है, टेक टेक जी इज इक्वल टू 10 m/s² और ये चार चॉइस दे रखे। क्वेश्चन को कैसे करें देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, वो इंपॉर्टेंट है बस। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ कैलकुलेशन करूँगा, उसको समझने आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक नया डायग्राम बनाइए, और ये इंक्लाइन प्लेन है और ये 45 डिग्री है। इस पर एक ब्लॉक रखा है जैसा गिवेन है 10 kg का। ठीक है, इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए जिससे जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड मूव ना करे, है ना। ठीक है, देखो तो इस पर एक 3 न्यूटन उसने फोर्स लगा रखा है पहले से, 3 न्यूटन। तो पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि इसमें आपका डाउनवर्ड फोर्स कितना है, टोटल नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, पहले वो मैं उसे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो करते हैं पहले इसका वेट नीचे की तरफ mg लिख लें, इसका कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट तो इस प्लेन के अलोंग आएगा और एक ऐसे आएगा। ठीक है, ये 45, तो देखो ये 90 डिग्री होता है, तो ये 45 होगा, तो ये वाला भी 45 होगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो mg cos θ, अगर इसे थीटा मान ले तो, और ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो ये mg sin θ। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है ये दोनों मिला के वो नीचे की तरफ है, 3 + mg sin θ। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना चाहूंगा मैं, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा नहीं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया है मैंने, मैं केवल चेक कर रहा हूं कि एफएस मैक्सिमम कितना है। एफएस मैक्सिमम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं पहले। तो एफएस मैक्सिमम कितना होगा, μs × नॉर्मल एक्शन। नॉर्मल एक्शन जो होगा वो ये वाला होगा ऐसे, एन एन तो इसको बैलेंस कर ले, ऐसे तो मूव ही नहीं कर रहा होगा ब्लॉक, तो एन तो बैलेंस कर रहा होगा किसको, mg cos θ को, mg cos θ को। तो μs तो 0.6 है और mg cos 45 डिग्री है, तो ये 0.6, एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू भी 10, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। देखो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे तो 60/√2, इतना न्यूटन आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, एंड mg sin θ + 3 न्यूटन ये डाउनवर्ड फोर्स है आपका, इसकी वैल्यू भी निकालना चाहता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी बेटा, 10, अभी देखते जाइए समझ में आएगा पक्का, 10, जी की वैल्यू 10, और sin 45, sin 45 की वैल्यू sin 45 + 3। ठीक है, तो ये हो गया 100, और sin 45 की वैल्यू हो गई √2, 1/√2 और + 3, दैट मीन्स 100√2 + 3, ये इतना न्यूटन। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये अप्लाइड फोर्स लगा ही नहीं रहा, ये तो फोर्स पूछ रहा है ना कितना लगाया जाए मिनिमम, तो मैं ये कहूँ कि ये वाला जो फोर्स है वो मैंने लगा ही नहीं रहा, केवल ये 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, mg sin θ लग रहा है, और अप्लाइड फोर्स मैं लगाया ही नहीं, तो बताओ अगर ये दोनों नीचे की तरफ हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपरी तरफ होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 60√2, और ये दोनों मिलके कितने हैं, 100√2 + 3, तो कौन सा फोर्स बड़ा है इस जगह पर। तो सोचिए ये वाला फोर्स, ये दोनों का सम इस एफ एस मैक्सिमम से ज्यादा है,
अगर इन दोनों का सम इस एपेक्स मैक्सिमम से ज्यादा है तो ये ब्लॉक किधर सरकेगा, रखेगा नीचे या ऊपर? नीचे, और नीचे सरक रहा है, नीचे मूव करेगा, स्लाइड करेगा, क्योंकि ये वाला फोर्स इन दोनों का सम इस एपेक्स मैक्सिमम से कैसा है, ज्यादा है, ग्रेटर है, तो ये नीचे मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसको अगर मेरे को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखो, मैं एपेक्स मैक्सिमम की डायरेक्शन किधर मांग रहा हूं, मानना हूं ऊपर की तरफ, मैं कह रहा हूं अप्लाइड फोर्स है ही नहीं है यार। अगर अप्लाइड फोर्स में लगाऊ नहीं, ये जो फोर्स है वो है नहीं है, तो मूव किधर करेगा ये ब्लॉक, नीचे, क्योंकि ये वाला फोर्स इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इस एपेक्स मैक्सिमम से कैसा है, ग्रेटर है, तो नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा तो एपेक्स मैक्सिमम ऊपर होगा। समझ में आया? तो इसे रोकने के लिए हमें मिनिमम फोर्स तो पूछ रहा है कि मिनिमम कितना, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम, अगर मिनिमम पूछ रहा है तो बेटा इसको रोकने के लिए हमें एफएस मैक्सिमम की डायरेक्शन ऊपर रखनी चाहिए। अगर ये लगाऊं नहीं तो फिसल जाएगा, अगर ये वाला लगाऊं नहीं तो फिसल ही जाएगा नीचे, एफएस मैक्सिमम भी उसे रोक नहीं पाएगा। अगर ऊपर की तरफ रखूंगा तो एफएस मैक्सिमम को तब भी नहीं रोक पाएगा, तो रोकने के लिए कितना मिनिमम, तो एफएस मैक्सिमम को मैं ऊपर ही रखूं तभी मिनिमम फोर्स होगा। सोचो अगर मैं एफएस मैक्सिमम को नीचे कर देता, मान लो कि ये वाला फोर्स बहुत ज्यादा लगाया मैंने, इतना ज्यादा लगाया कि ऊपर चलने लगा, तो एफएस मैक्सिमम अगर ऊपर चलने लगा तो ये एफएस मैक्सिमम नीचे आ गया, तो फिर तो ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स होगा, मिनिमम थोड़ी होगा। अगर मैंने एफएस मैक्सिमम की दर्शन नीचे मानी तो नीचे तब मानूंगा जब ये ब्लॉक ऊपर तक चले, तो वो फोर्स फिर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स अकेला इन तीनों फोर्सेस को बैलेंस करेगा, थ्री को, एम जी सैनिटा को और एफ एस मैक्सिमम को। इसीलिए एफ एस मैक्सिमम नीचे तो हो ही नहीं सकता, एफ एस मैक्सिमम ऊपर रखेंगे ये। अगर मैं ये फोर्स ना लगाऊं, केवल ये लग रहा है ओनली ऊपर रख रहा हूं, तभी ये नीचे तरफ स्लाइड हुआ, क्योंकि इन दोनों का सम इससे ज्यादा है। तो इसे रोके रखने के लिए कम से कम फोर्स की वैल्यू जरूरत पड़ रही है, इसीलिए एपेक्स मैक्सिमम ऊपर तरफ लगाएंगे तभी मिनिमम फोर्स होगा। ये नीचे लगा लेंगे तो इन तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा इस फोर्स को, फिर वो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। पूछा मिनिमम फोर्स है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। तो ये मिनिमम फोर्स के लिए हमें ये ऊपर तरफ लगाना पड़ेगा, बस इतना सा कंसेप्ट है। अगर अब ये बात मालूम पड़ गई कि ऊपर लगा रहा है तो कुछ नहीं, ये फोर्स ऊपर लग रहा है अब कुछ नहीं, बैलेंस करना है तो ये दोनों मिलके इन दोनों को बैलेंस कर लेंगे। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एफ मिनिमम प्लस एफ एस मैक्सिमम इक्वल टू 3 प्लस एम जी साइन थीटा। अब बैलेंस कर, अब मैंने वैल्यू तो पहले से निकाल रखी है सबकी, बस वैल्यू पुट करनी है, तो एफ मिनिमम प्लस एफ एस मैक्सिमम मैंने निकाल रखा है कितना, 60√2, 60√2 न्यूटन, प्लस इस पूरे की वैल्यू मैंने निकाल रखी है कितनी, 100, 3 प्लस 100/√2 वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो इसकी पूरे की वैल्यू निकाल रखी ना मैंने, इसकी ये वैल्यू इसकी है और ये एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू है, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी, एफ मिनिमम निकल आएगा, एफ मिनिमम इज इक्वल टू 3 प्लस 100/√2 माइनस 60/√2। यहाँ से इसे सॉल्व करें तो 3 प्लस इसमें से √2 एलसीएम ले लें, ये 40 हो जाएगा। इसे ऐसे कैसे करें, आगे सॉल्यूशन कैसे करें, तो 40 एक काम करते हैं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 ले सकते हैं इसको भाई, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये √2 नीचे 2, 2 से कितनी बार, 20 बार, 3 प्लस 20 इंटू 1.414, 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करें 8, 2 8 और 2 और पॉइंट आएगा 2 बार, यहाँ इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये ऐड करके आएगा 30, 31.28 न्यूटन, ये आएगा। कैलकुलेशन सही करी है, ठीक है,
कितनी वैल्यू आ गई, अब चेक कर लो कौन सी चॉइस सही है। तो इसके अप्रोक्सीमेट देख रहे हैं तो 32 न्यूटन, इसे नियरली 32 न्यूटन ले सकते हैं, इसलिए एप मिनिमम जो फोर्स लगाना चाहिए वो इतना लगाना चाहिए, ये मिनिमम फोर्स हो गया, इसलिए इसकी चॉइस हो गई ए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।